शो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेन संख्या 01043 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि गाड़ी के चलने की टाइमिंग क्या है, गाड़ी कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है और किस क्लास में आप टिकट लेंगे तो कितना किराया लगेगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। साथ ही में अगर आप दोस्तों किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। दोस्तों ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर के लिए सप्ताह में 2 दिन चलाई जाती है, गुरुवार और रविवार। गाड़ी में LBH कोच की सुविधा दी जाती है और ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दिन में 12:15 पे रवाना होती है और अपने सफर को तय करते हुए ये गाड़ी पहुंचाती है आपको समस्तीपुर, यानी शाम को 7:35 पे ये गाड़ी समस्तीपुर पहुँचाती है। अपने यात्रा के दौरान ये गाड़ी 1817 किलोमीटर की दूरी 35 घंटा में तय करती है और टोटल 22 स्टेशनों पर ठहराव लेती है, जिसमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस और समस्तीपुर शामिल है। इस गाड़ी में कोच की बात की जाए तो आपको स्लीपर 3 इकोनॉमी 3 टीयर और 2 टीयर की सुविधा दी जाती है। इस ट्रेन में जनरल कोच नहीं दिए जाते हैं। कोटा इस ट्रेन में सभी प्रकार के दिए जाते हैं तत्काल छोड़ के, और इस ट्रेन में आपको कैंटीन की सुविधा नहीं मिलने वाली है। इस गाड़ी में अगर हम किराए की बात करें तो आप टिकट लेंगे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर के लिए तो 915 रुपए का किराया जाने वाला है। दोस्तों ये ट्रेन स्पेशल है और स्पेशल के तौर पर चलाई जाती है, इसलिए इस ट्रेन का जो फेयर है थोड़ा ज्यादा होता है। 3 इकोनॉमी में आप टिकट लेंगे तो 2170 रुपए और 3 टीयर में 2280 रुपए का किराया लगता है। 2 टीयर में दोस्तों 3170 रुपए का किराया लगेगा और इस ट्रेन के जो 22 स्टॉप दिए गए हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी मैं आपको टाइम के साथ में दूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स को। तो दोस्तों ट्रेन संख्या 01043 लोकमान्य तिलक टर्मिनस समस्तीपुर स्पेशल ये गाड़ी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दिन में 12:15 पर रवाना होती है। यहाँ से ये ट्रेन रवाना होने के बाद तो पहुँचती है कल्याण जंक्शन और गाड़ी की टाइमिंग दिन में 12:50, यहाँ पर ये गाड़ी 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है, तो पहुंचती है नासिक रोड। नासिक रोड इस ट्रेन का 3 नंबर स्टॉप दिया जाता है और गाड़ी नासिक रोड में दिन में 3:12 पे पहुंचती है, 3 मिनट यहां पे ठहराव लेती है और 3 स्टेशनों के बीच में ये गाड़ी 172 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नासिक से जब ट्रेन अपने सफ़र के लिए निकलती है तो पहुंचती है भुसावल जंक्शन और भुसावल में गाड़ी की टाइमिंग शाम को 7:10 होती है, यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है और फिर अपने सफ़र के लिए यहाँ से रवाना हो जाती है। गाड़ी भुसावल के बाद दोस्तों पहुंचती है खंडवा, जो कि इस ट्रेन का 5 नंबर स्टॉप आता है और खंडवा में गाड़ी की टाइमिंग शाम को 9:40 होती है, यहाँ पे ये ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेती है और 552 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये गाड़ी तय करती है। इसके बाद इस ट्रेन का दोस्तों 6 नंबर स्टॉप आता है जो कि इटारसी जंक्शन, और इटारसी जंक्शन में गाड़ी की टाइमिंग रात 12:30, यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट के लिए ठहराव लेती है और यहाँ से इस ट्रेन को दूसरा दिन स्टार्ट होता है, क्योंकि गाड़ी की टाइमिंग रात 12:30 हो जाती है। इटारसी के बाद जब ये ट्रेन यहाँ से निकलती है तो पहुँचती है पिपरिया, और पिपरिया इस गाड़ी का 1:40 स्टॉप होता है, गाड़ी यहाँ पे 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है। दोस्तों ये गाड़ी 5 स्टेशन में महाराष्ट्र क्रॉस कर जाती है और फिर यहाँ से रवाना होती है तो पहुँचती है जबलपुर, और जबलपुर में गाड़ी सुबह 4:30 पर पहुँचती है, यहाँ पर गाड़ी 10 मिनट ठहराव लेती है, फिर पहुँचती है कटनी, और कटनी में गाड़ी की टाइमिंग सुबह 7 बजे होती है, यहाँ पे ये गाड़ी 7:05 पे रवाना हो जाती है 5 मिनट ठहराव लेने के बाद। गाड़ी यहाँ तक 1072 किलोमीटर की दूरी तय करती है 9 स्टेशनों के बीच में। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है मैहर और गाड़ी 7:42 पे पहुँचती है, यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। मैहर के बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है 11 नंबर सतना, और सतना में गाड़ी की टाइमिंग सुबह 8:25, यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है
1170 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये गाड़ी तय करती है। और इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश में, तो ये गाड़ी मध्य प्रदेश के बाद पहुँचती है उत्तर प्रदेश और स्टेशन आता है मानिकपुर। मानिकपुर में ट्रेन 9:43 पर पहुँचती है, यहाँ पर गाड़ी 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से रवाना होने के बाद पहुँचती है प्रयागराज छिंवकी, जो कि गाड़ी की टाइमिंग 11:40 हो जाती है, 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है और यहाँ से ये गाड़ी मिर्ज़ापुर वाले रूट पे डाइवर्ट हो जाती है, कट जाती है। ये गाड़ी प्रयागराज जंक्शन नहीं जाती है, यहीं से ये ट्रेन मिर्ज़ापुर के लिए रवाना होती है और मिर्ज़ापुर में गाड़ी की टाइमिंग 12:38 होती है दिन में। यहाँ पे ये गाड़ी 2 मिनट ठहराव लेती है, फिर पहुँचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गाड़ी 1:55 पर पहुँचती है दिन में और यहाँ पे ये गाड़ी 10 मिनट के लिए ठहराव लेती है। तो दोस्तों, इस गाड़ी को यहाँ तक लमसम 24 घंटे पूरे होते हैं और 24 घंटे में ये गाड़ी 1483 किलोमीटर की दूरी तय की रहती है। इसके बाद जो बची हुई इस ट्रेन की दूरी है यहाँ से तय करती है और पहुँचती है बक्सर। बक्सर में गाड़ी की टाइमिंग 3:05, यहाँ पे ये गाड़ी 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर पहुँचती है आरा जंक्शन। आरा में ट्रेन 4:08 पर पहुँच जाती है, यहाँ पे ये गाड़ी 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से रवाना होती है। 2 मिनट ठहराव लेने के बाद ये गाड़ी पहुँचती है दानापुर। दानापुर में गाड़ी की टाइमिंग होती है 4:48 और ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट के लिए ही ठहराव लेती है। तो दोस्तों, इस ट्रेन में ज़्यादातर यात्री पंडित दीनदयाल स्टेशन से उतरना शुरू कर देते हैं और ये गाड़ी दानापुर आते आते तकरीबन 70% खाली हो जाती है। दानापुर से जब ट्रेन रवाना होती है तो पहुंचती है पाटलिपुत्र और गाड़ी की टाइमिंग 5:10, यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है। फिर इस ट्रेन का अगला स्टॉप आ जाता है हाजीपुर जंक्शन और हाजीपुर जंक्शन में ये गाड़ी 6:15 पर पहुँचती है। फिर ये गाड़ी यहाँ पर 5 मिनट ठहराव लेती है और यहाँ से ये गाड़ी फिर से मुजफ्फरपुर वाले रूट पे रवाना होती है। मुजफ्फरपुर में गाड़ी की टाइमिंग होती है 7:35 और यहाँ पे ये गाड़ी 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। इसके बाद इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप आता है समस्तीपुर जंक्शन और समस्तीपुर में गाड़ी की टाइमिंग 9:15 होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये गाड़ी 22 स्टेशनों के बीच की दूरी 1817 किलोमीटर की ये गाड़ी 33 घंटा में तय करती है। दोस्तों, जिस तरह हमने आपको यहाँ पे ट्रेन संख्या 01043 के बारे में जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।